मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। एक बार फिर घूरन राम ने कमल का दामन थामा है, लालटेन छोड़ी है। घूरन राम जी इस समय हमारे साथ हैं, पलामू के पूर्व सांसद हैं, उनसे ही जानते हैं क्या कमियां रह गई जो आरजेडी को छोड़कर फिर एक बार बीजेपी में शामिल होने। देखिए, आरजेडी में लगातार पार्टी में कहीं ना कहीं संगठन का जो है एकदम सिकुड़ता हुआ जा रहा है। इसे जहाँ हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस सरकार में हम लोग शामिल हैं, राष्ट्रीय जनता दल का स्थिति यह हो गया है जैसे बिगा फेंका हुआ सी लोग समझ रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, या आप खुद जानते हैं, सरकार गठन के बाद यहाँ अनुसूचित जाति के नाम पर सत्यानंद भोक्ता जी को मंत्री बनाया गया, लेकिन उनको आदिवासी में शामिल कर लिया गया, आप जानते हैं इस बात को। उसके बदले में अनुसूचित जाति को यहाँ मंत्री पद में देना चाहिए था, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग यह कहता है कि अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी संख्या है झारखंड प्रदेश में, उनको आज तक नहीं दिया गया महागठबंधन में। और इंडिया जो है, मंत्री तो मंत्री जितना आयोग है गठन कर दिया है, अनुसूचित जाति आयोग का कहाँ या पता नहीं है। तो जिस जाति और जिस समाज से हम लोग आते हैं, अनुसूचित वर्ग, महागठबंधन इंडिया से बिल्कुल उपेक्षित महसूस कर रहा था। हम लोग जनता के बीच में कुछ कहने लायक नहीं थे, अपने समाज के बीच में कुछ पक्ष नहीं रखने लायक थे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस पार्टी को अलविदा कहें और महागठबंधन को भी अलविदा कहें। रामू की जनता पर भरोसा क्यों करे, क्योंकि आप तो कई दलों में जा चुके हैं, JBM में जा चुके हैं, BJP में आ चुके हैं, फिर RJD में गए, फिर BJP में, फिर RJD में, फिर BJP में, ये क्यों भरोसा क्यों करें? ऐसे आपका जो राजनीतिक करियर रहा है उसमें कहीं ना कहीं घूमने वाली जो परंपरा है वो दिखाई दे। बिल्कुल कहीं नहीं, अब आप जहां देख रहे हैं आप वहीं देखेंगे, निश्चिंत रहिए, कहीं आना जाना नहीं है। बिल्कुल, हम आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं, आप देखिएगा। नीतीश कुमार का जवाब हो गया, एकदम मजबूती से काम होगा। ये इतने महीने क्यों लग गए? 5 महीने पहले आपको शामिल होना था, आखिर क्या पेचीदगी रह गई? कोई पेचीदगी नहीं था, हमको अभी शामिल नहीं होना था तो 5 महीने कहाँ पहले शामिल होना था? पलामू में ही शामिल होना? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पलामू में नहीं शामिल होना था, यह सिर्फ हवा था, रिमर। पार्टी में कुछ वादा हुआ है, पार्टी चुनाव लड़ाएगी या क्या करेगी? नहीं, उस पर उस विषय की कोई चर्चा, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, अब काम करूँगा। पलामू से एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन में अनुसूचित जातियों का भला होने वाला नहीं है। आज़ादी के बाद पहला भारत सरकार में कैबिनेट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 दलित मंत्री बने हुए हैं, यह सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके चेहरे से भी ये दिखाई दे रहा है कि बार बार दल बदलने वाले लोगों को निश्चित रूप से कोई ना कोई बहाना तो रहता ही है। ऐसे में घूरन राम पलामू संसदीय सीट से इतने बड़े दावेदार होंगे ये समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है घूरन राम तमाम दलों का दौरा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में BJP एक शायद पड़ाव भी हो। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।